नमस्कार, स्वागत है आपका पल पल खबर नेशन एरिन में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। लुधियाना में कोरोना से और 12 मरीजों की मौत। पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर विदेशी मंत्री ने कहा सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा घर के पास परीक्षा दे सकेंगे 10वीं 12वीं के छात्र। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे जल शक्ति अभियान का आरंभ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर साइबर हमले की संभावना, मंत्रालय ने एनएचएआई वाहन कंपनियों को किया अलर्ट। एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में ठहराया दोषी, 2235 करोड़ का लगा जुर्माना। मुंबई में सेबी अधिकारियों के घर सीबीआई की छापेमारी, पोंजी घोटाले का है मामला।